हेलो दोस्तों, ये टॉपिक ऑन डिमांड वीडियो बना हुआ है और इस वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है पी वैल्यू। जब हम रिसर्च करते हैं तो ज़्यादातर हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं और हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए कोई ना कोई स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई करते हैं। और जब इंटरप्रिटेशन की बात आती है कि हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना कि रिजेक्ट करना नल हाइपोथेसिस को, तब हम पी वैल्यू को बेंचमार्क मान के काम करते हैं और पी वैल्यू 0.05 या 0.01 के साथ कंपेयर किया जाता है। अब ज़्यादातर लोगों को जब मैंने पूछा कि ये पी वैल्यू है क्या और इसको आप 0.05 से कम या ज़्यादा क्यों कंपेयर करते हो, तो काफ़ी लोग ऐसे थे जिनको ये पता नहीं था और ये लॉजिक समझे बिना हमने उसको एक बेंचमार्क मान के अपना इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो इस वीडियो में हमारा पर्पज़ रहेगा कि ये जो पी वैल्यू वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रॉपरली समझा जाए, ताकि अगली बार जब हम इंटरप्रिटेशन करें तो हम सिर्फ नंबर नहीं देखें, उसके पीछे का मीनिंग भी समझ के करें। तो ये हमारा टॉपिक है और इस टॉपिक को स्टोरी मोड में लिया गया है, क्योंकि जब स्टोरी मोड में किसी चीज़ को लेते हैं तो काफ़ी हद तक हमें क्लैरिटी ज़्यादा आ जाती है और समझना थोड़ा आसान होता है। तो हम क्या करेंगे, स्टोरी मोड में पहले इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर SPSS में एक डेटा फाइल में हम एक्चुअली उसको इम्प्लीमेंटेशन भी समझने का ट्राई करेंगे। सो ये जो हमारा टॉपिक है वो पी वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 या पी वैल्यू लेस देन 0.05, व्हाट डज इट मीन, ये हमारा एक मेन मोटिव रहेगा। इसको समझने के लिए हमने एक स्टोरी बनाई है, वो स्टोरी है जिसका एक फोटोग्राफ आपको दिख रहा है। इस स्टोरी में अगर आप देखेंगे तो एक तरफ पुलिस वाला है और एक तरफ बंदा है जो वो जेल में बंद है। स्टोरी कुछ इस तरह से बनी हुई है कि रात को 3 बजे पुलिस पेट्रोलिंग पर निकली हुई थी और सामने से एक आदमी आता हुआ दिख गया था। पुलिस वाले ने जैसे ही नॉर्मली रात को पुलिस वाले करते हैं उसको रोका गया और पूछा गया कहां से आ रहे हो, कहां गए थे। और ज़्यादातर ये होता है कि पुलिस को देख के काफ़ी लोग डर जाते हैं, तो ये बंदा भी थोड़ा डर गया, डर के मारे पुलिस को कुछ सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाया। और जब पुलिस को कुछ प्रॉपर आंसर नहीं मिला तो पुलिस ने सोचा कि चलो सुबह देखेंगे, उसको ले जाके लॉकअप में बंद कर दिया गया। मॉर्निंग में जब पुलिस वाला न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उसमें एक न्यूज़ था, कहीं कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी हो गई थी और वो न्यूज़ का जो क्रिमिनल एक्टिविटी का जो एरिया था वो वही एरिया था जहां से पुलिस ने उसको पकड़ा हुआ था। पुलिस वाला तो बहुत खुश हो गया और उसको लगा कि हाँ, ये तो न्यूज़ बाद में आई, हमने तो उससे पहले क्रिमिनल को पकड़ लिया है और केस सॉल्व हो गया है। तो न्यूज़ बाद में मिली लेकिन केस सॉल्व हो गया, तो पुलिस वाले ने तो प्रूव कर दिया कि यही क्रिमिनल है। ओके, लेकिन वो क्रिमिनल है कि नहीं ये डिसाइड करने का काम पुलिस वाले का नहीं है। पुलिस का काम होता है उसको पकड़ा जाए और कोर्ट के सामने पेश किया जाए। तो जो वो क्रिमिनल है कि नहीं वो डिसाइड करने का काम हमारी लीगल सिस्टम का है। लीगल सिस्टम में कोर्ट है और कोर्ट को अपना जजमेंट देना है। अब कोर्ट में जब जजमेंट देगा तो जजमेंट कौन देगा, जज देगा। अब जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करते हैं तो आप जज हैं, क्योंकि एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना ये जजमेंट आपका है। सो आप वहां पर जज हैं। अब कोर्ट में जब ये जजमेंट जज दे रहा होगा तो कौन से बेस पे देगा, तो जज के लिए 2 एडवोकेट होंगे। एक एडवोकेट होगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो प्रूव करना चाहेगा कि ये बंदा गिल्टी है, इसी ने क्राइम किया है और इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और दूसरा वो जो सो कॉल्ड क्रिमिनल है, अभी प्रूव नहीं हुआ है, उसका एडवोकेट होगा जो ये ट्राई प्रूव करने का ट्राई करेगा कि ये बंदा इनोसेंट है, इसने क्राइम नहीं किया है और इसको छोड़ देना चाहिए, है ना। अब ये दोनों एडवोकेट जज के सामने आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं और आर्ग्यूमेंट के साथ साथ एविडेंस भी पेश करने हैं। अब अगर जज के पास सारे अगर एविडेंस मिल जाते हैं तो जज का जो जजमेंट होगा वो 100% एक्यूरेट होगा। रिसर्च की लैंग्वेज में हम कहेंगे सेंसस। ओके, तो जब आप सेंसस करते हैं तो आपका जो जजमेंट होता है वो 100% एक्यूरेट होता है, वहां पे एरर के कोई चांस नहीं है। ओके, लेकिन जज के पास सेंसस ऑफ एविडेंसेस नहीं है, जज के पास जो अवेलेबल है वो है सैंपल ऑफ एविडेंस। कौन सा एविडेंस, वो एविडेंस जो एविडेंस ये इन दोनों एडवोकेट ने प्रेजेंट किए हैं। और हर कोई एडवोकेट कौन से एविडेंस प्रेजेंट करेगा,
वही एविडेंस प्रेजेंट करेगा जो उनके फेवर में होगा, ओके okay? और जो कुछ एविडेंस ऐसे हैं जो उनके अगेंस्ट में जा सकते हैं वो लोग प्रेजेंट नहीं करेंगे, और काफ़ी सारे एविडेंस एडवोकेट के पास भी नहीं होते हैं। सो जज को अभी डिसाइड करना है बेस्ड ऑन सैंपल ऑफ एविडेंस, ओके। तो हम भी ज़्यादातर काम जब करते हैं तो हमारे पास सेंसस नहीं होता, हम सैम्पलिंग करते हैं, और सैम्पलिंग के बेस पे हमें पॉपुलेशन के बारे में कोई जजमेंट करना होता है ना। तो अगर हमने सेंसस किया है तो जजमेंट एक्यूरेट होगा, लेकिन हम सेंसस नहीं करते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारा कॉस्ट इन्वॉल्व है, बहुत सारा टाइम इन्वॉल्व है, बहुत सारा मैन पावर चाहिए, और ज़्यादातर हम जब रिसर्च करते हैं तो सैंपल डेटा के ऊपर किया जाता है। अब यहाँ पर जज को सैंपल ऑफ एविडेंस के बेस पे जजमेंट देना है। अब जब सैंपल के बेस पे जजमेंट दे रहा है तो जजमेंट गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। तो जजमेंट के टाइम पे जज के पास ये चार ऑप्शन बनते हैं। एक, अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें तो ऊपर हमारे पास डिसीजन है, जो जजमेंट जो जज ले रहा है वो जज ने उसको आइदर इनोशन प्रूव करेगा या उसको गिल्टी बताएगा। और दूसरा ये ट्रूथ है, सही में उसने क्या किया है, तो सही में हो सकता है कि इनोसेंट भी हो या फिर गिल्टी भी हो, ओके। सो अब फोर पॉसिबल ऑप्शन बने हैं। ऑप्शन नंबर वन, वो इनोसेंट था, ओके, और जज ने बोला कि इनोसेंट है, तो ट्रूथ भी है कि वो इनोसेंट है और डिसीजन आया कि इनोसेंट है, ओके। दूसरा कॉलम, वो ट्रूथ है कि इनोसेंट है लेकिन जजमेंट हमने दिया गिल्टी है और उसको पनिशमेंट मिल गई। थर्ड है कि वो सही में गिल्टी है, वो इनोसेंट नहीं है लेकिन सैंपल के बेस पे जजमेंट आया कि इनोसेंट है। और फोर्थ वन, वो गिल्टी है, सही में गिल्टी है और जजमेंट आया कि गिल्टी है। ये चार पॉसिबल ऑप्शन बन सकते हैं, है ना। अब अगर आप जज हो और सही में वो बंदा इनोसेंट है और आपने उसको इनोसेंट बताया के, तो एरर नहीं है। गिल्टी था और आपने गिल्टी बताया तो एरर नहीं है। अगर हम हाइपोथेसिस की बात करें तो हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना चाहिए था और आपने रिजेक्ट किया तो एरर के चांस नहीं है। रिजेक्ट करना नहीं चाहिए था और आपने नहीं किया तो एरर के चांसेस नहीं है। यहां पर इस केस में हमारी स्टोरी में दो एरर के चांस बनेंगे। एक एरर का चांस कि वो इनोसेंट था और जज ने उसको गिल्टी प्रूव कर दिया, डिसीजन आया कि ये क्रिमिनल है, सही में उसने क्राइम नहीं किया था, ये एक एरर हो गई। और दूसरी एरर कि वो गिल्टी था, उसने क्राइम किया था और जज ने डिसीजन लिया या जजमेंट दिया कि वो इनोसेंट है, उसको पनिश नहीं करना चाहिए, ये दो एरर हो गई। उसी तरह से हम जब रिसर्च करते हैं तो हम दो एरर करते हैं, सही में डिफरेंस नहीं होता लेकिन हम बोलते हैं डिफरेंस है, और दूसरा सही में डिफरेंस होता है लेकिन हम बोलते हैं डिफरेंस नहीं है, तो ये हमारी एरर हुई। अब चलते हैं हमारी स्टोरी के पास। अब स्टोरी में अगर आप ये दो एरर को देखोगे तो कौन सी एरर ज्यादा डेंजरस है, ओके। एक एरर कि वो इनोसेंट था और आपने उसको गिल्टी बना दिया, और दूसरा इनोसेंट नहीं था, ओके, गिल्टी था और आपने उसको इनोसेंट बता दिया, ओके। अब यहां पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रोल प्ले करता है, क्योंकि कई बार होता है कि जज भी गलती करता है, है ना, जज भी गलती करता है। अगर जज का जो अपब्रिंगिंग है या जज को ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे क्रिमिनल हैं और लोग बहुत ज़्यादा क्रिमिनल माइंडसेट वाले होते हैं, ओके, तो वो गलती कर सकता है कि वो इनोसेंट है लेकिन जज उसको गिल्टी प्रूव करेगा, या फिर जज को ये लगता है कि ज़्यादातर लोग बहुत अच्छे हैं, ओके, ज़्यादातर लोग क्रिमिनल नहीं होते, क्रिमिनल बाय चांस बनते हैं, अगर ऐसा कुछ माइंडसेट है तो वो गिल्टी होते हुए भी जज उसको इनोसेंट प्रूव कर देगा। अब ये एरर नहीं हो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक डायरेक्टिव दिया। क्या डायरेक्टिव, हम सबको पता है वो डायरेक्टिव ये है, 100 गुनेगार छूट जाएंगे तो चलेगा लेकिन एक इनोसेंट को सजा नहीं होनी चाहिए, ओके। मतलब अगर वो गिल्टी है और अगर आपने छोड़ दिया तो चलेगा, लेकिन अगर वो इनोसेंट है तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। इसका मतलब हमारे यहाँ पर जो बॉक्स में जो टाइप वन एरर दिख रहा है वो नहीं होना चाहिए, टाइप टू एरर होगा तो चलेगा, ओके। सो अगर वो इनोसेंट था और जज ने बोल दिया गिल्टी तो वो टाइप वन एरर है,
ओके। और ये जो हम 0.05 बोलते हैं वो होता है इस एरर की प्रोबेबिलिटी, जो पी वैल्यू बोलते हैं वो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है। तो अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं था और हमने बोल दिया है तो एक एरर हो गई, ओके। और डिफरेंस था और हमने बोला नहीं है, ये दूसरी एरर हो गई। तो जो टाइप फॉर एरर है वो है हमारा नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना जबकि ओके वो सही था, मतलब डिफरेंस नहीं था लेकिन हमने बोला डिफरेंस है, ओके। ये हुई हमारी ये टाइप वन एरर। और जो 0.05 है ये इस टाइप वन एरर के चांसेस है। हमारी कहानी के हिसाब से अगर जज ने बोला है कि वो गिल्टी है, ओके, तो उसके इनोसेंट होने के चांसेस 5% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये 0.05 वो कुछ नहीं है, वो 5% है। 5% मतलब 5/100 विच इज नथिंग बट 0.05, ओके। उसी तरह से हम जब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं तो हम ये एरर के चांस देखते हैं और हम उस एरर को 5% से कम लेवल पे लेके जाते हैं। तो अगर वो 5% से कम है तो ही हम उसको रिजेक्ट करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। तो ये जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, जो हम पी वैल्यू बोलते हैं उसको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी बोला जाता है। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, मतलब डिफरेंस नहीं था और हमने बोला डिफरेंस है, ये हमारे एरर के चांस है, ओके। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल अ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ 0.05 इंडिकेट 5% रिस्क ऑफ कंक्लूडिंग दैट डिफरेंस एग्जिस्ट व्हेन देयर इज नो एक्चुअल डिफरेंस। तो अगर वो एरर के चांस 5% से कम है, मतलब पी वैल्यू 0.05 से कम है, तो हम रिजेक्ट करने को रेडी हैं। लेकिन अगर 0.05 से ज़्यादा होगा तो हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। अब इसी स्टोरी को हम अपने डेटा में लेके जाते हैं, ओके। डेटा के लिए हम डेटा फाइल में जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास वही SPSS का एम्प्लॉय डेटा वाला फाइल है और यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल है सैलरी, ओके, करंट सैलरी का डेटा है। और हमारा यहाँ पर हाइपोथेसिस ये बना है कि जो एवरेज सैलरी है वो 30,000 से कम है, या एवरेज सैलरी 30,000 है। सिंपल वे करते हैं, एवरेज सैलरी 30,000 है। अब हम कैसे प्रूव करेंगे कि एवरेज सैलरी 30,000 है कि नहीं, क्योंकि हमारा नल हाइपोथेसिस है एवरेज सैलरी इक्वल टू 30,000। अब उसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, हमारे पास दो ऑप्शन है। हम सेंसस करेंगे, अगर सेंसस करेंगे तो सारे एम्प्लॉय का सर्वे करेंगे और जो मीन निकलेगा वो 100% एक्यूरेट होगा, उसमें एरर के कोई चांस नहीं है। अगर वो मीन 30,000 नहीं है तो हम उसको सीधा अभी रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें सेंसस करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने सैंपल किया है तो हमें जो मीन मिलेगा वो पॉपुलेशन का मीन नहीं होगा, हमें वो मीन मिलेगा वो सैंपल का मीन मिलेगा। तो इस केस में अगर हम सैंपल का मीन देखेंगे यहाँ पे, ओके, तो हमें सैंपल का मीन मिलेगा। तो पहले देखते हैं सैंपल का मीन कितना है। हम जाते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में और हमने यहाँ पर क्लिक किया करंट सैलरी और देखेंगे तो हमें सैंपल का मीन मिला है, ये हमारा मीन 34,000, ओके। यहाँ पर हमें याद रखना है हमारा नल हाइपोथेसिस है 30,000, ओके। अब हमारा नल हाइपोथेसिस था मीन इक्वल टू 30,000। अब हमारा सैंपल का मीन 34,000 आया है, तो एक तरफ हमारा हाइपोथेसाइज्ड मीन है जिस पे हमने हाइपोथेसिस बनाया है और ये सैंपल का मीन आ रहा है। अब हमें चेक ये करना है कि अगर हमने सेंसस किया होता तो जो पॉपुलेशन का मीन है वो 30,000 होता कि नहीं, ओके। अब उसके लिए हमें कोई टूल अप्लाई करना पड़ेगा एंड डिपेंडिंग ऑन किस तरह का आपका हाइपोथेसिस है बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, उसके रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज़ हमने बनाए हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। इस केस में जो टूल एप्लीकेबल होगा वो है वन सैंपल टी टेस्ट, क्योंकि हमारे पास एक ही सैंपल है एक ही वेरिएबल है। तो हम जाएंगे एनालाइज, यहाँ पर कंपेयर मीन और यहाँ पर हमारे पास है वन सैंपल टी टेस्ट। यहाँ हमने करंट सैलरी ले लिया है, ओके, करंट सैलरी यहाँ पर ले रहे हैं और हमारा टेस्ट वैल्यू है से 30,000, क्योंकि हम 30,000 के साथ कंपेयर कर रहे हैं।
और हम यहाँ पर ओके प्रेस करते हैं। देखो यहाँ हमें करंट सैलरी का डिस्क्रिप्टिव मिला है, ये मेन सैलरी 34,419 है और ये हमारा टी स्टैटिस्टिक्स है, ये जो एस आई जी वैल्यू है ये हमारा पी वैल्यू है, तो ये आ रहा है 0.000। व्हाट डज इट मीन, ये पी इज लेस देन 0.05। इसका मतलब कि अगर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं तो उसके उसमें हमारा जो एरर के चांस है वो बिल्कुल नहीं है। ओके, सो हमारा जो टाइप वन एरर होगा इसमें उसके प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 0% है, ये हमारा इंटरप्रिटेशन हुआ। अगर ये वैल्यू, अगर समझो कि हम उसको हमारा हाइपोथेसिस का मीन 34,000 कर रहे हैं, तो अगर हम इसको 34,000 करते हैं 30,000 की बजाय, है ना, अब देखते हैं पी वैल्यू कितनी आ रही है। ओके, देखो अब हमारा जो मीन 34,000 था, हमने जो हाइपोथेसिस किया है मीन इक्वल टू 34,000, तो हमारा हाइपोथेसिस था कि जो पॉपुलेशन जो है, हमारा जो ग्रुप है, उसकी एवरेज सैलरी 34,000 है। ओके, और उसके लिए जब हमने वन सैंपल टी टी किया तो हमारा जो पी वैल्यू है वो 0.593 आया। व्हाट डज इट मीन, इसको हम अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आएगा 59.3%। इसका मतलब अगर आपका नल हाइपोथेसिस ये है कि पॉपुलेशन मीन एवरेज सैलरी इज इक्वल टू 34,000 और सैंपल का जो रिजल्ट आया है 34,419, अगर यहाँ पर आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करोगे तो आपके एरर के चांसेस जो है वो 59.3% है। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा है, एरर एक्सेप्टेबल हमें है वो 5%, दैट इज 0.05। ओके, तो इस तरह से हम पी वैल्यू को यूज करके इंटरप्रिटेशन करते हैं। सो पी वैल्यू जो है वो और कुछ नहीं है लेकिन आपके एरर के चांस इंडिकेट कर रही है कि आपके एरर के चांसेस कितने होंगे। तो अगली बार जब आप कोई एनालिसिस करें तो पी वैल्यू को ठीक से समझें और उसके हिसाब से इंटरप्रिटेशन करें, सही में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ये वीडियो आपके लिए प्रेजेंट किया गया है सागर फाउंडेशन .org की तरफ से, होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक रिसर्च रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और उस पर भी एक वीडियो बनाया जाएगा। थैंक यू।